आज जो ये धरना, जो ये प्रोसेशन, जो ये रैली निकली है, इसका एक ही मकसद है कि दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी से जो अपना रोजगार कर रहे हैं सालों साल से, पचासियों साल से बराबर जो रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार 2014 के अंदर एक कानून पास कर चुकी है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन ना हो जाए, उसके द्वारा सर्वे ना हो जाए, किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को ना हटाया जाए। लेकिन ये भाजपा के लोग जो 12 साल से जो एमसीडीओ के अंदर, तीनों एमसीडीओ में जो काबिज है, ये लोग किसी भी कानून को नहीं मानते। ये अवैध कब्जे के नाम पर रोज कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, गरीब लोगों को उजाड़ रहे हैं। जो 30 साल से 40 साल से जो लोग बराबर रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं।